खबर कुलाचिका से है। विद्युत विभाग कुला के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा कुलाचिका क्षेत्र में लाइन लॉसेस कम करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। वहीं अभियान के तहत आज लाइन लॉसेस कम करने के लिए कुलाचिका क्षेत्र में बिजली चोरी के लिए चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई। अर्बन क्षेत्र में तकरीबन 12% चल रहा लाइन लॉसेस से अर्बन क्षेत्र में विद्युत विभाग गुला में हो रहा लाखों रुपए का मानसिक नुकसान। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए तकरीबन 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर किया जाएगा। लाइनों को दुरुस्त, वहीं विद्युत विभाग गुला के SDO राहुल यादव ने कहा कि टीमों का गठन कर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को लगाया जाएगा जुर्माना। एक्टिविटी जो है उनको अपनाया जा रहा है। RDSS स्कीम के तहत अपने गुला एरिया में लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें गुला, चिका और सीवन, इसमें सारी जो LTAB केबल है वो चेंज करी जाएंगी, नए ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट करे जाएंगे ताकि लोड में आगे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। AP के जो हमारे फीडर हैं उनको बाइफरकेट कराया जा रहा है ताकि वो दुरुस्त सप्लाई हम दे सके सीजन के टाइम पे अपने किसान भाइयों को। जो उनके मौके पर LLN भरी जाएगी और जो असेसमेंट और कंपाउंडिंग बनता है वो उनसे लिया जाएगा। कितने परसेंट लाइन लॉसेस चल रहा है अभी हमारे अर्बन एरिया में? गुला शहर के अंदर 12% लाइन लॉस चल रहे हैं और सरकार का टारगेट जो है वो है 6% लाने का। तो किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा ये सारी की सारी, जितने भी अपने मीटर जो अंदर लगे हुए हैं प्रीमिसिस के अंदर या जो दीवारों पर लगे हुए हैं उनको पोल पर लाना है। LTAB केबल जो हमारी पुरानी होगी थी, डिटोरेट कंडीशन में है, उनको सारी हम रिप्लेस करेंगे। कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ये प्रक्रिया? मार्च एंड तक हम अर्बन शहर में पूरी कर देंगे।